घरौंडा के एक पेट्रोल पंप पर नकाबपोश बदमाशों ने 70,000 रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। ये पंप पूर्व विधायक रेखा राणा का है। वारदात को अंजाम देने के बाद बदमाश पानीपत की तरफ फरार हो गए। सूचना मिलने के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, सीसीटीवी की जांच जारी है। जानकारी के मुताबिक बदमाश बाइक पर सवार होकर आए थे और पेट्रोल पंप के मैनेजर और सेल्समैन पर रिवॉल्वर तान दी, 70,000 रुपए का कैश लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। तो बदमाशों ने पेट्रोल पंप को निशाना बनाया है। घरौंडा की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर 70,000 रुपए लूट लिए गए पेट्रोल पंप से और मैनेजर सेल्समैन पर रिवॉल्वर तान कर लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आगामी कार्रवाई भी जारी है। दो बंदे आए बाहर बाइक पे, उन्होंने कहा पहन के अंदर एंट्री की और एंट्री करते ही रिवॉल्वर तान के हमारे पे बोला कैश दो सब, और हमारे को बोला एक एक तरफ बैठ जाओ यहाँ कून में जी। तो हम बैठे और उन्होंने कैश को लूट लाट के और हमारे मैनेजर का फोन भी लेके चले गए साथ में। यहाँ पे लगभग 7:45 के आसपास की जो वारदात है जी। जो हमें सूचना मिली कि दो लड़के यहाँ पे आए थे जिन्होंने मुंह ढका हुआ था और उन्होंने गन पॉइंट पे जो यहाँ पे कुलदीप जी थे यहाँ पे और उनसे जो कैश था वो ले लिया जी। और छीन के वो भाग गए।